मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ पर चल रहा है घर का काम। तो आज कपड़े आपको दिखा देते हैं। ये बकेट भर गई है, बेडशीट चेंज होनी है। एक्चुअली मैं घर गई थी, मैं अपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो आने के बाद इतनी लगातार बारिश हो रही है, 2 दिन तो मैंने कपड़े धोए कैसे सुखाए वो तो मुझे ही पता है, सारे घर में कपड़े फैले हुए थे। बट आज मौसम मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। आज वो देखिए थोड़ी सी धूप आने के आसार हैं, तो मैंने कहा चलिए बेडशीट भी चेंज करती हूँ। वो भी ड्यू थी एक्चुअली, आने के बाद मुझे बदलनी थी। तो 2 दिन हो चुके हैं और अब आज ये बकेट भरी है, तो आज ये धुलेगी, बस मौसम साफ रहे। उसके बाद मैं करती हूँ बेडशीट चेंज। जिस दिन भी बेडशीट चेंज करने का टर्न होता है ना, उस दिन फिर मैं बेड की भी डीप क्लीनिंग करती हूँ। पीछे वुड में तो इतना नहीं रहता, उसमें तो मैं कपड़ा मार देती हूँ, बट जहाँ पर ये कुशनिंग है वहाँ पर हल्का सा धूल वगैरह जम जाती है, तो मैं गीले कपड़े से ही इसे साफ़ करती हूँ और इजी हो जाता है इस तरह से इसको मेंटेन करना। उसके बाद हम लोग चले गए थे वॉक के लिए, और वॉक से आते हुए हम लोग सब्जी लेकर आए हैं। मॉर्निंग में फ्रेश आती हैं सब्जियाँ, तो जो भी सब्जी लेनी होती है उसी टाइम में लेके आती हूँ। और आज वॉक के लिए थोड़ा सा लेट ही निकले थे, तो 8:30 हो गए जब हम वापस आ रहे हैं। तो ये इस टाइम पर हल्की हल्की धूप भी आने लग गई है, बट आजकल इतने ज़्यादा लोग वॉक नहीं करते हैं, कम ही होते हैं वॉक करने वाले भी। वॉक करने के बाद आज पसीना पसीना हो गए, अच्छा लग रहा है। किस दिन ना मैंने बड़े वाले ब्लेंडर जार बनाई, बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, इसलिए अब क्या करें वो ख़राब हो गया है, तो इसमें यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। और स्मूदी की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही बन गई, एक ग्लास मैंने दे दिया हस्बैंड को, और ये है मेरा, और इसके बाद भी बच गई है 1 सर्विंग। तो आज हम 2-2 सर्विंग पीने वाले हैं। शुरू शुरू में मुश्किल लगता है स्मूदी पीना, बट जब आपको आदत हो जाए ना तो यही सबसे ज़्यादा यमी लगती है। और यहाँ पे हस्बैंड का योगा सेशन चल रहा था, उसके बाद वो स्मूदी पी रहे हैं। तो मॉर्निंग में उनका तो रहता है योगा, वॉक के लिए ना भी जाएं तो योगा करते ही हैं। तो आज यहाँ पर चल रहे हैं बैकग्राउंड में गढ़वाली गाने, जो हम लोग ओहो रेडियो सुनते हैं यहाँ पे देहरादून में, तो उसमें मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स आते हैं, तो वही हम इंजॉय कर रहे हैं और अपनी स्मूदी भी पी रहे हैं साथ में। बस अब मुझे बनाना है अनंत का ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग तो फ्रूट्स खाते हैं, तो आधा घंटा ब्रेक लेके फिर हम फ्रूट्स खाएंगे। और यहाँ पर कपड़े भी मेरे हो गए हैं, सुबह सुबह ही मैंने आज डाल दिए थे, क्योंकि चादर वगैरह बदली तो साथ के साथ मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और अब बना रही हूँ मैं अनंत के लिए ब्रेकफास्ट, उसके लिए आलू थोड़े से बचे हुए थे बॉयल्ड पोटैटो मेरे पास, तो ये बनाया मैंने उसके लिए पराठे, और एक पराठा एक्स्ट्रा बना दिया था तो हस्बैंड ने खा लिया। तो इस तरह से हमारा ये ब्रेकफास्ट भी फिनिश हो गया। उसके बाद मैं लगी हूँ सब्जियों। पालक साफ करने का सबसे ईजिएस्ट तरीका है ये, पानी में सोख करके रख दो, जितनी मिट्टी है सारी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद निकाल लो इस तरह से टोकरी में, और उसके बाद जो टोकरी में ना उसको एक बार फिर से पानी से धो लो, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। और ये मैंने यहाँ पे पॉलिथीन लगा के ब्लॉक किया हुआ है, इसका ड्रेनेज होता है। और आजकल मेरी काफ़ी दिन से बैक पेन चल रही है, तो फिर हस्बैंड ने ही यहाँ पर बकेट ला के रख दी कपड़ों की, बस अब मैं इनसे निकाल निकाल के डाल दूँगी। और अभी जो मौसम है वो ठीक ठाक सही है, बादल तो हैं बट बारिश हो सकती है किसी भी टाइम पर, तब तक सूख जाएंगे शायद थोड़े बहुत कपड़े। आज तक धूप अच्छी है, बादल तो हैं, देखिए कभी भी हो सकती बारिश, बट ये कि इस टाइम धूप है और हवा चल रही है, तो हवा में ही सूख जाएंगे कपड़े। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, वैसे हवा चल रही है तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे हवा में,
बारिश का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ बादल। ये देखिए बादलों का झुरमुट, और कभी इकट्ठे होकर ना बारिश करने लग जाएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ गार्डन अपडेट। मैं कुछ प्लांट भी लेके आई थी मम्मी के घर से और वो मुझे ना टाइम नहीं मिला, मैंने बस ऐसे ही डाल दिए। और वो भी ना एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग है, ये देखिए ये वाला मैं जस्ट उस दिन लाई थी तो टाइम ही नहीं था मेरे पास और मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया इसमें। और इसमें देखिए बर्ड्स निकली होंगी ना और वो खिल गई हैं। पर साथ का ना ये जादू, कुछ भी लग जाता है। और देहरादून में इतनी बारिश होती है ना कि हर चीज़ लग जाती है। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ मैं, ये आप देख रहे होंगे ना मैंने क्या ये नर्सरी सी बनाई हुई है यहाँ पे। हम लोग क्या ना गढ़वाली में इसको बिजाड़ कहते हैं, मतलब बीज के बाद जो पौधे निकलते हैं बिजाड़। और ये यहाँ पर सारी है गेंदे की, और ये जो गेंदे हैं ना ये फूल पे ही लगे हुए थे, एक्चुअली फूल पे ही इनके पौधे निकले हुए थे। अगर इसमें कोई हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे ऐसे कैसे बंच तोड़ के डाले हैं, ये देखिए इसे फूल पे थे और इस पे ही ये निकले हुए थे, सूख गया ना ये। इसमें सारे ये गेंदे के फूल हैं, एक मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने सारे तोड़ दिए थे, ये देखिए ये वाला है ना, फोकस क्यों नहीं कर रहा, ये देखिए इसमें से ना पौधा निकल गया। तो मैंने इस तरह से इसको तोड़ दिया था और इसको छोड़ दिया था यहाँ पे। ये देखिए नेचर का कमाल ही है ये, मैं उसे देख के सरप्राइज हो गई। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पौधे के ऊपर ही ना इसमें निकलने लगे छोटे छोटे पौधे। तो ये मैं तोड़ दूंगी, मैं नीचे देने वाली हूँ मालिक को। यहाँ पे देखिए और देखिए, और ये हैं लिली होती है ना पिंक वाली लिली, वो है ये। और ये है स्पाइडर प्लांट, ये छोटे छोटे से मैं निकाल के लाई थी, मैंने यहाँ लगा दिए। अभी टाइम ही नहीं मिल रहा और ऊपर से मेरे पास कोई पॉट ही खाली नहीं है तो मैं किस में लगाऊँ, तो ये सब चल रहा है। ये जो ब्लैक वाले लाई थी मैंने यहाँ पे रख दी है इस तरह से, जितनी जगह थी मैंने मैक्सिमम यूज़ की हुई है, आप देख ही सकते हैं। बट वही है मन नहीं भरता मेरा पौधों से, तो फिर भी पता नहीं कैसे रुका हुआ है, चलो थोड़ा सा ठीक हो जाए सब एडजस्ट हो जाए फिर लेंगे और पौधे। बादल काले होने लग रहे हैं। वाला पौधा इसको भी पता नहीं क्या हुआ बेचारे को, इसमें कीड़ा आ गया था और उसको वो खाए जा रहा था। मैंने इसको अच्छे से ना पानी से धो दिया पहले, जितना भी कुछ होगा इसमें गंदगी सब निकल जाए। अब देखिए थोड़ी सी धूप आती है तो ठीक होगा ये, पानी तो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे हो गए थे इसके पत्ते, एक्चुअली पहले इस तरह से येलो होते हैं फिर ये ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो ये है इस पौधे का स्टेटस। देखो मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, एक आंख से मुझे देख रही हैं। ये देखिए लास्ट में जो मैंने सब्जी निकालने के बाद ये पॉलिथीन निकाली है ना, इसमें देखिए अब कितनी मिट्टी, और कुछ तो पानी के साथ जा चुकी है नीचे। इस तरह से पिट करके रखते हैं ना सब्जी, तो उसमें से जितनी भी मिट्टी है वो गल जाती है फिर निकल जाती है। तो बीटरूट है ना इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, बीन्स भी क्लीन हो गई हैं, पालक क्लीन हो गई है। मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर जब थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएंगे ना फिर इनको करेंगे एडजस्ट। और बारिश हो गई है शुरू हो गई। अरे यार यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम है, कपड़े रस डाले ही हैं अभी और बारिश शुरू हो गई। तेज तेज बड़े कपड़ों का प्रॉब्लम हो जाता है एक्चुअली, कहाँ सुखाऊँ जगह हवा सूख जाएगी है। चलो हवा में थोड़ी सी तो ड्राई हो गई है। आनंद उस तरफ देखो बेटा, बारिश शुरू हो गई है। हाँ
कपड़े भीग जाएंगे सारे। अंदर की तरफ आ रही बारिश तो ही निकालना, अंदर बजे अंदर नहीं सारे नहीं निकालना, अगर अंदर की तरफ बारिश आ रही है तो निकालना, अंदर नहीं निकल रहा तो यहाँ से की बातें। हाँ बस छोड़ छोड़ दो, छोड़ दो, इतना छोड़ दो, दो निकाल। हाँ ये भी कर दो, पीछे की तरफ कर दो, इस तरफ थोड़ा बच जाएंगे। ये पता नहीं ना बारिश का थोड़ी देर में बंद हो जाएगी फिर क्या, हाँ पर आनी नहीं चाहिए ना, कपड़ों पर नहीं आनी चाहिए, अंदर भी क्या करेंगे, मॉइस्चर ही आता है। ये मैं अगेन ले आई हूँ लेंगड़े की सब्जी, तो आज ये काफ़ी फ्रेश वाली मिल गई मुझे, तो ये भी मैं शाम के लिए शायद बनाऊँ, टाइम मिलेगा तो इसे कट करना ही प्रॉब्लम होता है ना, पर आज बनेगी ये पक्का, फ्रेश है ना तो अच्छी लगी। तो ये मैं क्या बता रही थी, सब्जियाँ सारी धुल गई हैं, इन्हें ये जाएंगी फ्रिज में जब थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी। लंच के लिए आज बना है बूंदी का रायता, तड़के वाली अरहर की दाल और चावल, सिंपल और यमी लंच। यहाँ पर ये मेरे पास एक कढ़ाई आई है, जलेबी कढ़ाई, तो आज इसका उद्घाटन होने वाला है, तो इसमें मैं बनाऊंगी जलेबी, तो देखते हैं कैसे बनती है। जलेबी का मैंने बैटर ही तैयार किया था और चाशनी बनाने रखी थी, तब तक ये आरओ वाले भैया आ गए, तो बस अब ये लगे हैं काम करने, उसके बाद बनाऊंगी फिर मैं जलेबी। मैं आपको दिखाती थी तेज़ बारिश हो रही है, मैं अंदर बिजी थी, आरओ वाले आए हुए थे ना उनको देखने के चक्कर में, और यहाँ देखिए कितनी तेज़ बारिश, पर ये स्ट्रेट हो रही है तो थोड़ा सा ये राहत है, कपड़े हैं अभी फैले हुए वहीं पे, चादर तो मैंने हटा दी है, सुबह दिखाया था ना धूप थी और बादल की स्ट्रेट थी, अब देख लीजिए वो देखिए कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है, बस जरा से ही आपस में मिलते हैं और बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए मैं जलेबी बनाने लगी थी, आधा ही काम छोड़ के ना हटना पड़ा मुझे, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, मौसम भी बन गया जलेबी वाला, तो फटाफट बनाते हैं जलेबी। इंस्टेंट जलेबी का जो मैंने बैटर बनाया था ना उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला था और दही भी शायद थोड़ी खट्टी थी, तो अगर वो उसी टाइम बना लेती ना तो जलेबी ज़्यादा अच्छी बनती, बट इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल गया तो अभी थोड़ी फुली फुली बन गई, क्रिस्पी तो काफ़ी बनी थी बट ये थोड़ी सी दिख रही है ना इसे फुली फुली, बट टेस्ट में काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बस ये हमारी जलेबियाँ बन गई हैं और इस कढ़ाई में मैंने बनाई है, पर ये कढ़ाई थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, घर में हमें इतनी ज़्यादा बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो घी काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ता है, बट फ्लैट है तो मैंने कम घी में ही इसमें जलेबियाँ बना ली थी। तो बस अभी चाशनी में डिप कर दी हैं जलेबियाँ और ये क्रिस्पी जलेबियाँ हमारी बनकर रेडी हैं, मज़ेदार बनी थी, मैं तो मीठा नहीं खाती बट इन लोगों के लिए काफ़ी हो गई थी ये जलेबियाँ, बहुत सारी बन गई थी एक्चुअली, एक कप मैंने मैदा लिया था उससे मैंने बनाई थी, तो ये थोड़ी छोटी छोटी बाद में घी कम रह गया तो मैंने ये छोटी छोटी साइज़ की बनाई है, पर बैटर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेंट हो गया था, तो इंस्टेंट वाली जलेबी अगर आप कभी बनाएं ना तो उसके लिए इमीडिएटली यूज़ करें उस बैटर को, छोड़ेंगे तो फिर इसी तरह की हो जाती है, फूल जाती है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा फॉर्मेंट हो जाती है। अभी बज रहे हैं एक और धूप देखिए आप कितनी तेज़ हो गई, कोई कहेगा सुबह यहाँ बारिश हो रही थी, यही हाल है यहाँ पे रोची, तो पूरा दिन ही बारिश होती रहती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ मीठी मीठी जलेबियों के साथ में, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ किसी और नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।